हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, आज मेरे पास ये जो ड्रम है ये ऐसे ही पड़ा था, ऐसे तो नहीं पड़ा था। मेरे बच्चे, जो मेरी छोटी वाली बिटिया है, इसमें अपने खेलने का सामान, छोटे मोटे खिलौने इसी में रखती थी, तो ये अच्छा नहीं लगता था। इसके ऊपर मैंने कपड़ा डाला रहता था लेकिन कपड़ा हट जाता था, तो आज मैंने सोचा कि इसका कुछ अच्छा सा डेकोरेशन कर लूँ मैं। तो मैंने ये, मेरे पास प्लास्टिक सीट थी तो मैंने इस पर लगा ली है टेप की मदद से, और ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी मैं टेप लगा लूँगी ऐसे मोड़ कर। और इस पर मैं थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो मैं लगा लूँगी ये जो मेरे पास, वैसे तो मेरे पास प्लास्टिक था लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि वैसे भी नीचे तो यहाँ पे कोई देखेगा नहीं, ये नीचे की तरफ रहेगा। तो मैंने ये जो आटे की थैली थी इसी में से काट के एक टुकड़ा लगा लिया है इस पर, और टेप से अच्छे से चिपका लूँगी मैं इसको। जो मेरा एक मैंने पिछला एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, उसमें भी मैंने स्पीकर के ऊपर, तो उस स्पीकर के ऊपर भी मैंने ऐसे ही प्लास्टिक सीट लगा ली थी, और वो स्पीकर भी मेरा ख़राब था तो मतलब फेंकने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो उस पर लगा लेती हूँ। तो वो मैंने साइड टेबल के लिए इसका इस्तेमाल किया है और वो मैंने अपने बाहर वाले रूम में रखा हुआ है, आपने देखा होगा अगर तो हाउस टूर वाले वीडियो में। और अब मैं जो इसका ढक्कन है इस पर भी, तो ये जो ढक्कन है इस पर भी मैंने प्लास्टिक सीट चिपका ली है, और जो ये ड्रम है इसके मैंने चारों तरफ ब्राउन टेप लगा ली है। अगर वाइट टेप होती तो ज़्यादा अच्छा लगता लेकिन वाइट टेप मेरे पास है नहीं, ब्राउनी टेप मेरे घर पर पड़ी हुई थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया है। और ये जो इसके पकड़ने वाले कुंदे से हैं इनको मैंने बाहर ही कर लिया है क्योंकि ये जब मेरी बिटिया उठाएगी तो आसानी रहेगी। और इसमें मैंने नेल पेंट लगा लिया है, ये नेल पेंट ख़राब हो रहा था और मैंने सोचा कि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं बाहर, अगर मेरे पास रिबन होता तो मैं इस पर रिबन लगा लेती, रिबन लपेट लपेट के उसको लगा लेती, लेकिन रिबन भी मेरे पास थे नहीं तो मैंने फ़िलहाल तो नेल पेंट ही लगा लिया है। लेकिन आगे मैं इस पर रिबन लगाऊंगी तो रिबन से ये कवर हो जाएंगे और अच्छा लगेगा, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि ये ड्रम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मुझे तो ठीक लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है, पता नहीं चल रहा है इतना। तो इस पे हम बैठ भी सकते हैं, लो रख के और इसके ऊपर बैठ भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा क्या है रिबन लगाने के बाद। तो यहाँ पे जो है कि मैं कूलर की सफाई कर रही हूँ, और कूलर तो मैंने इसका जो ढक्कन है ये मैंने हटा लिया लेकिन ये मुझसे अब लग नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल करके मैंने इसको सेट किया है, पता नहीं क्यों लेकिन लग ही जाता है फिर। अब मैं बाहर से भी इसको हल्का सा पोंछ लेती हूँ, वैसे मैंने इसकी सफाई कर ही ली है। अब लास्ट में जो गैलरी है ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको धो ही लेती हूँ, तो मैं झाड़ू की हेल्प से इसको धो लूँगी क्योंकि जो कूलर के अंदर से जो गंदगी निकली थी वो यहीं फैल गई। और इसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी।
अभी मैं सो के उठी हूँ और चाय भी मैंने पी ली है, अभी आपने देखा ही। आज मैं थोड़ी देर सो गई थी, कभी सो लेती हूँ कभी नहीं, कभी टाइम लग जाता है। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी कूलर साफ करके, क्योंकि कूलर जो था बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था और अच्छे से हवा नहीं फेंक रहा था। तो मैंने सोचा कि आज कूलर की सफाई कर दूं, और जो इसकी कील थी, इसके ढक्कन पे जो कील लगी हुई थी वो निकल नहीं रही थी जंक के कारण, क्योंकि पहले खारा पानी भरते थे इसमें तो उसके वजह से उसमें जंक लग गया। तो बड़ी मुश्किल करके मैंने खुला है कूलर, ये दिन पहले भी हमने ट्राई किया था लेकिन खुला नहीं। और आज मैंने खोल ही लिया और काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी गंदगी हो रही थी कूलर के अंदर, और अब साफ लग रहा है। तो जब कोई चीज़ गंदी होती है तो बस बहुत अजीब सा लगता है, लगता है कि कब ये इसको सफाई करेंगे इसकी, और इसकी सफाई होनी चाहिए। तो आज कूलर की बारी थी, तो अब बस कूलर भी मैंने साफ कर लिया है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, ऐसे बाहर ही बाहर से तो हो जाता है साफ, लेकिन इसको जो खोल के इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदा जमा हुआ था वो मैंने साफ कर लिया। और फिर मैंने लंच बनाया, और लंच में मैंने बनाई रोटी, और सुबह मैंने सीताफल की सब्जी बनाई थी। तो आज हम सीताफल की सब्जी बची हुई थी, तो आज हमने लंच में वो ही खा ली रोटी के साथ में, और मैंने रोटी ही रोटी बनाई। तो फिर मैं सो गई, और अब मैं उठी हूँ। तो बिटिया ने चाय बना के दी आज, तो मैंने बस चाय पी है। और अभी मैंने पंखा बंद किया हुआ है आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि पंखा जब मैं चलाती हूँ तो आवाज़ आती है पंखे की, और इसलिए मैंने पंखा बंद कर लिया थोड़ी देर। तो गर्मी हो रही है अभी, और ये देखिए जो ड्रम मैंने सुबह बनाया था, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये ड्रम। अब इसमें मेरी बिटिया का सामान रखा है, और उसका खेलने का जो खिलौने हैं छोटे मोटे वो इसमें डाल लेती है वो, नहीं तो बिखरे बिखरे रहते हैं घर में। तो काफ़ी टाइम से रख रही थी, लेकिन आज मैंने इसके बाहर ये कवर चढ़ा दिया। पहले मैंने कपड़ा डाला रहता था इसके ऊपर, लेकिन अब ये सही है, अच्छा भी लग रहा है। तो बस यही है, तो अब 5 बजे बच्चों ने कहा कि हमें खाने हैं गोलगप्पे, तो फिर मैंने उनके लिए गोलगप्पे बनाए, और इमली की चटनी भी मैं बना के रख लेती हूँ लेकिन ख़त्म हो गई थी। और फिर से मैंने अब यहाँ पे इमली की चटनी बनाई है, पहले इसको मैंने भिगो के रख लिया था, उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया, और यहाँ पे मैंने चने रख लिए हैं कुकर में, और इसी के साथ मैं आलू काट के धो के डाल दूंगी, साफ करके धो के, फिर साथ में ही उबल जाएंगे जो पानी पूरी के अंदर भरने वाले जो होते हैं उसके लिए मुझे चाहिए। और ये मैंने चढ़ा लिए हैं, अब बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि इंस्टेंट गोलगप्पे। तो ये इमली की चटनी बस थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो बन जाएगी, और मैं गोलगप्पे जो हैं उनको तल लूँगी, और काफ़ी जल्दी तल जाते हैं ये, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल ऑप्शन को ज़रूर दबाइएगा। तो ये देखिए एक एक दो दो करके मैं इनको आराम से डालती जाऊंगी, और थोड़ा सा हिला हिला के ये फूल जाते हैं। घर पे बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है, और ये जब भी बच्चे बोलते हैं तभी फटाफट से बन जाते हैं, तो जो बेलने वाली झंझट होती है वो नहीं होती है। तो ये देखिए बस ऑयल में डाला और निकाला, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मिलती हूँ मैं आपको अपने
अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।